सो नमस्ते एवरीबॉडी, टुडे वी गोना टॉक अबाउट एमिकेबल। देखो सिंपल भाषा में एमिकेबल का मतलब है कि दोस्ती, ठीक है, या फिर फ्रेंडली, या फिर दोस्त जैसा, ठीक है, तो उसको आप एमिकेबल कह सकते हो। बट ये आप तभी यूज़ कर सकते हो जब कहीं पे रिलेशन का बात हो रहा हो, ठीक है। रिलेशन में फ्रेंडली अगर आप समझाना चाहते हो, ठीक है, या फिर किसी भी गठन में आप फ्रेंडली का उपयोग करना चाहते हो, ठीक है, एक्सप्रेस करना चाहते हो फ्रेंडली को, तब आप एमिकेबल यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लो हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशन है, ठीक है, उसमें अगर आप फ्रेंडली समझाना चाहते हो, मतलब एकदम फ्रेंड जैसा, दोस्त जैसा, तो वहाँ पे आप एमिकेबल का यूज़ कर सकते हो। या फिर कोई भी इस टाइप का रिलेशन जो कि सीरियस है, वहाँ पे ये यूज़ करा जाता है। ओके, ऐसा नहीं कि आपके नॉर्मल दोस्त को आप एमिकेबल बोल रहे हो, ठीक है, तो उस जगह पे ये यूज़ नहीं करा जाता है, ठीक है। ओनली सीरियस रिलेशन, जैसे मान लो कंट्री के बीच में जो रिलेशन्स होते हैं, या फिर आपके हस्बैंड एंड वाइफ में जो रिलेशन्स होते हैं, या फिर चिल्ड्रन में जो रिलेशन्स होते हैं, ठीक है, मम्मी पापा में जो रिलेशन होते हैं, या फिर बच्चे और मदर्स या फिर फादर्स में जो रिलेशन्स होते हैं, उनको कहा जाता है। ऑलराइट, लेट्स टेक एन एग्जांपल। द एमिकेबल रिलेशंस बिटवीन स्वीडन एंड पोलैंड प्रॉमिस्ड एज अ फर्स्ट टू बी परमानेंट। तब पे कहा जा रहा है कि एक वादा किया गया था कि जो संबंध है पोलैंड और स्वीडन के बीच में, ठीक है, वो और भी फ्रेंडली होगा, ठीक है। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको कुछ गैजेट्स बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे आपके डे टू डे लाइफ में आपको प्रोडक्टिव रखने के लिए, ठीक है। एंड लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन चेक इट आउट इफ यू वांट टू बाय वन ऑफ दिस। ऑलराइट, लेट्स बिगन। फर्स्ट जो हमारा है लिस्ट में, वो एक पोर्टेबल टेबल। आपको पता ही है पोर्टेबल टेबल इज वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट थिंग नाउडेज, सो आप उसको यूज कर सकते हो कहीं पे भी। राइट, नाउ द सेकंड थिंग इन आवर लिस्ट इज अ टेबल लैम्प फॉर नाइट रीडिंग पर्पसेस और नाइट वॉकिंग यूज, ठीक है, तो आप उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो नाइट में जब आपको एक मिनिमल या फिर सटल अमाउंट ऑफ लाइट रिक्वायर्ड हो। थैंक यू, यही तक था हमारा सफर इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो तब तक बने रहिए। अगर वीडियो से कुछ हेल्प मिला तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो बाद में कर लेना, कोई इशू नहीं है।